Assalamu alaikum. Here we will found the condition for square. ठीक है, देखिए स्केयर कौन सी शेप होती है जिसकी सारी की सारी साइड्स इक्वल होती है. ठीक है, और अगर इसके सब एंगल 90 डिग्री के इक्वल हुए तो फिर इसे हम स्केयर शेप कहेंगे, लेकिन अगर अदर देन 90 हुए तो फिर हम उसको रॉम्बस शेप कहेंगे. ठीक है, और इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट अगर आपके पास यहाँ पे स्केयर को ही थोड़ा टिल्ट कर दिया जाए ना, जैसे ये देखे ना, ये स्केयर है, ये स्केयर शेप है. ठीक है, इसको हम ए बी सी डी मार्क कर लेते हैं, और ये भी आपको कंफर्म होना चाहिए कि ये इसकी सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए. ठीक है, इसी को अगर आप थोड़ा सा टेढ़ा करके बना देते हैं यूं करके, कि देखिए यहाँ पे तो एंगल 90 डिग्री के इक्वल आ रहे हैं ना, अगर आपके पास 90 डिग्री के इक्वल ना हो तो फिर जो शेप होगी ए बी सी डी यहाँ पे अदर देन 90 एंगल होगा ना, तो इससे हम फिर रॉम्बस शेप कहेंगे. ठीक है, तो बेसिकली दिस इज अ स्केयर शेप, बट स्केयर को अगर आप थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं इस फॉर्म में, तो ये जो शेप आ रही है उसे आप रॉम्बस कहेंगे. ठीक है, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स वन एग्जांपल इन विच वी विल वेरीफाई दैट द गिवन पॉइंट्स विल रिप्रेजेंट स्केयर. हम ऐसे करते हैं, एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं. देखिए आपको यहाँ पे ए बी सी डी चार पॉइंट्स गिवन है. ठीक है, और ये फोर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स गिवन है प्लेन में. वेरीफाई दे फॉर्म स्केयर, और स्केयर का नाम भी मेंशन कर देते हैं ए बी सी डी है. ठीक है, अब हम ऐसे करते हैं कि वो जो चार पॉइंट्स गिवन है ना, इन सब में डिस्टेंस फार्मूला यूज कर लेते हैं, और डिस्टेंस फार्मूला से प्रॉपर हम इनके डिस्टेंसेज फाइंड आउट कर लेते हैं. ठीक है, अगर चारों डिस्टेंस इक्वल हुए तो फिर हम चेक करते हैं कि क्या कंडीशन होल्ड करती है. तो आप ऐसे करें कि ए बी डिस्टेंस फाइंड आउट करें, तो ए बी डिस्टेंस 2 - 2 होल स्क्वायर प्लस -2 - 2 होल स्क्वायर के इक्वल है. ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करें तो बेसिकली जीरो स्क्वायर आ रहा है. जीरो स्क्वायर प्लस -4 होल स्क्वायर, -4 होल स्क्वायर इज 16, तो 0 + 16 इज √16 का आंसर 4 के इक्वल आ रहा है. ठीक है, अब आप बी सी फाइंड आउट करें. बी सी के लिए आप बी और सी के कोऑर्डिनेट्स को यूज करेंगे. ठीक है, तो बी और सी के जब आप कोऑर्डिनेट्स यूज करेंगे तो बेसिकली -2 - 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 + 2 होल स्क्वायर आ रहा है. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे आंसर 4² = 16 और 2 0² = 0. ठीक है, तो आंसर √16 ही आएगा, सॉल्व करेंगे तो 4 आ रहा है. अब हम ऐसे करते हैं सी डी फाइंड आउट कर देते हैं. सी डी के लिए आप सी और डी के कोऑर्डिनेट्स यूज करेंगे. -2 + 2 होल स्क्वायर एंड 2 + 2 होल स्क्वायर. ठीक है, तो सिंप्लीफाई करके आंसर आ रहा है 0 + 16. 0 + 16 = 16 और 16² आंसर 4 आ रहा है. ठीक है, अब हमारे पास लास्ट है कि आप ए डी फाइंड आउट करें. तो ए डी डिस्टेंस के लिए ए और डी के कोऑर्डिनेट्स को यूज करना है. तो ए और डी के कोऑर्डिनेट्स अगर आप यूज करते हैं तो बेसिकली -2 - 2 होल स्क्वायर प्लस 2 - 2 होल स्क्वायर आ रहा है. ठीक है, तो -2 - 2 इज -4, -4 होल स्क्वायर इज 16 और 2 - 2 इज बेसिकली 0, तो 0² = 0. ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई करें तो आंसर √16 ही आ रहा है. 16 का स्केयर रूट ले तो आंसर 4 आ रहा है. ठीक है, अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये सारी लेंथ आपके पास इक्वल आ रही है. ठीक है, अगर ये सारी लेंथ इक्वल आ रही है ना, तो देखिए ये स्केयर तो तब होगा जब इसमें एंगल 90 का हो. इसका मतलब ये है कि हमने 90 वाली कंडीशन वेरीफाई करनी है. अब हम ऐसा करते हैं, इसी स्केयर को ना रफ स्केच कर लेते हैं. ठीक है, और यहाँ पे आप ए 2 - 2 रिप्रेजेंट कर दें, सॉरी बी. ठीक है, यहाँ पे बी है, बी 2 - 2, और फिर आप ऐसा करें यहाँ पे ए 2 - 2 रिप्रेजेंट कर दें, और डी -2 - 2 रिप्रेजेंट कर दें, और सी -2 - 2 रिप्रेजेंट कर दें. ठीक है, अब देखिए अगर आपने यहाँ पे एंगल 90 वेरीफाई करना है ना, तो बेसिकली डी बी डायगनल आ रहा है. ठीक है, नाउ आप ऐसा करें कि डी बी डायगनल फाइंड आउट कर लें. डी बी डायगनल के लिए आप डी और बी के कोऑर्डिनेट्स को यूज करेंगे, तो बेसिकली जो आपके पास आंसर आएगा 2 + 2 होल स्क्वायर प्लस -2 - 2 होल स्क्वायर आ रहा है. ठीक है, तो 2 + 2 इज 4, 4² = 16 एंड -2 - 2 इज -4, -4
होल स्केयर इज अगेन 16, तो 16 प्लस 16 का आंसर 32 के इक्वल आ रहा है. तो स्केयर रूट ऑफ 32 को अगर आप सिंप्लीफाई करें तो 4 स्केयर रूट ऑफ 2 के इक्वल आ रहा है. ठीक है, तो अब हम ऐसा करते हैं DB के होल स्केयर को चेक कर लेते हैं. अगर वो CB होल स्केयर प्लस CD होल स्केयर के इक्वल आया तो बेसिकली ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होगी. राइट एंगल ट्राइंगल हुई तो इसमें एक एंगल 90 का होगा. अगर एक एंगल 90 का तो कंफर्म है बाकी सारे भी 90 के इक्वल ही होंगे. ठीक है, तो अब हम ऐसा करते हैं इसको चेक करते हैं DB का होल स्केयर. DB स्केयर रूट ऑफ 32 है ना. ठीक है, मैंने इस स्टेप को लिख लिया क्योंकि ये दोनों इक्वलेंट एक्सप्रेशन है और CB 4 के इक्वल है और CD भी 4 के इक्वल है. तो 4 स्केयर 16 होगा. तो बेसिकली यहाँ पे स्केयर स्केयर रूट विल बी कैंसल्ड आउट. आंसर इज 32. ठीक है, 4 स्केयर इज 16 एंड 4 स्केयर इज 16. तो 32 को चेक करें वो 32 के इक्वल ही आ रहा है. ठीक है, तो अगर ये वेरीफाई हो रहा है तो बेसिकली हमें यहाँ से कंफर्म है कि मेजरमेंट एंगल डी सी बी है वो 90 डिग्री के इक्वल आ रहा है. ठीक है, अगर मेजरमेंट एंगल डी सी बी 90 डिग्री के इक्वल आ रहा है तो कंफर्म है कि बाकी सब एंगल्स भी 90 डिग्री के इक्वल ही होंगे. ठीक है, अगर वो एंगल्स 90 डिग्री के इक्वल आ रहे हैं तो आप यहाँ पे ऐसा करें, यहाँ कंडीशन लिख लें, हेयर वी नो डेट डी बी का होल स्केयर इक्वल आ रहा है और ये डिस्टेंस है. ठीक है ना, डी बी डिस्टेंस का होल स्केयर इक्वल आ रहा है सी बी डिस्टेंस होल स्केयर प्लस सी डी डिस्टेंस होल स्केयर के. ठीक है, अगर ये कंडीशन वेरीफाई हो रही है इसका मतलब ये है कि जो आपको ए बी सी एंड डी वर्टिसेस गिवन थी फॉर्म स्केयर. ठीक है, एक तो मेथड ये था जिसके थ्रू आपने प्रॉपर सॉल्व कर लिया, लेकिन इसी क्वेश्चन को हम एक और टेक्निक से भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं और वो ये है कि आप चारों साइड्स फाइंड करें, डी बी डायगनल फाइंड आउट करें और फिर आप ए सी डायगनल भी फाइंड आउट कर लें. ठीक है, तो जरा ए सी डायगनल का डिस्टेंस फाइंड आउट करें. -2 -2 होल स्क्वायर +2 +2 होल स्क्वायर. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे आंसर आ रहा है -4 स्क्वायर +4 स्क्वायर. 4 स्क्वायर इज 16, -4 स्क्वायर इज आल्सो 16. तो 16 + 16 = 32. तो स्केयर रूट ऑफ 32 अगर आप फाइंड आउट करते हैं तो आंसर 4 स्केयर रूट ऑफ 2 के इक्वल आ रहा है. ठीक है, अगर ये आपके पास आंसर आ रहा है ना, अब जरा कंपेयर करें. ठीक है, जो डी बी है और ए सी है ये दोनों डायगनल्स हैं और दोनों डायगनल्स इक्वल आ रहे हैं. ठीक है, तो आप लिखिए एज डायगनल्स आर इक्वल. ठीक है, अगर डायगनल्स इक्वल आ रहे हैं हेंस ए बी सी एंड डी आर vertices of square. ठीक है, और अगर ये diagonal unequal आते हैं ना तो confirm है कि ये shape जो है वो square नहीं होगी बल्कि rhombus shape होगी. rhombus और square में यही difference होता है कि अगर diagonal equal आते हैं तो वो square को represent करेंगे, लेकिन अगर unequal होते हैं तो वो rhombus shape को represent करेंगे.